नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद फरीद सिद्दीकी, NITI9 न्यूज़ वॉइस ऑफ इंडिया में आपका खैर मकदम करता हूँ। नामपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद के इलाका नामपल्ली स्टेशन और इसके आसपास के इलाकों में पुलिस की जानिब से घर घर तलाशी मुहिम की गई। ये तलाशी मुहिम सेंट्रल जोन DCP श्री पी विश्व प्रसाद की क़यादत में की गई। इस मौके पर इनके अलावा ACP सैफाबाद श्री वेणुगोपाल रेड्डी भी मौजूद थे और दिगर 100 से ज़ायद पुलिस मुलाजमीन शामिल थे। इस तलाशी मुहिम में DCP सेंट्रल जोन ने आवाम से मुलाकात करते हुए मसाइल की एक सभी भी की और इनको ये तहकुन दिलाया है कि पुलिस की जानिब से इन्हें पूरा पूरा ताउन किया जाएगा। आवाम ने शिकायतें की है कि वहां पर मौजूद वाइन शॉप के ज़रिए से काफ़ी मुश्किलें पेश आ रही हैं। लोग वहां पर नशा करने के बाद मेट्रो ट्रेन के मुसाफरीन हो या रेलवे स्टेशन नामपल्ली जाने आने वाले मुसाफरीन के लिए दर्द सर बने हुए हैं। लोग वहां पर नशा करने के बाद वहां से गुजरने वालों के पास से ज़बरदस्ती इनसे पैसे और मोबाइल फ़ोन छीन लिया कर रहे हैं। मुकामी आवाम का ये भी कहना है कि वहां पर मौजूद सड़क छाप लोग जो वाइटनर से नशा करके वहां पर आने जाने वाले मुसाफरीन को काफ़ी परेशान कर रहे हैं और इससे हटकर भी दिगर जराइम रात के अंधेरे में किए जा रहे हैं, जिसे रोकना बहुत ज़रूरी है। जिस पर DCP सेंट्रल जोन ने आवाम को तहखुन दिलाया है कि बहुत जल्द इन तमाम जराइम पर काबू पा लिया जाएगा और तमाम लोगों को हिदायत दी है कि वो अपने दुकानों और मकानों के पास कैमरे नसब करें। इन कैमरों की वजह से भी कई जराइम पर भी काबू पाया जा सकता है। अगर किसी जगह पर कोई जराइम होता भी है तो इन कैमरों की मदद से उस पर जल्द ही कार्रवाई की जा सकती है। आइए नाज़रीन इस घर घर तलाशी मुहिम के ऊपर एक तफसीली रोशनी डालते हैं हमारे नुमाइंदे MA माजिद के साथ। ब्यूरो चीफ फरीद सिद्दीकी की यह तफसीली रिपोर्ट। बेसिकली यहाँ एक वैगाबंड्स का और वेटनर का एडिक्ट्स का एक प्रॉब्लम है। वो लोग आने जाने वाला पैसेंजर्स को टारगेट करते हुए उसका चोरी कर रहे हैं, पॉकेट पिक कर रहे हैं, सेल फोन छीन ले रहे हैं। ऐसा केस कभी समटाइम्स कंप्लेंट रिपोर्ट हो रहे हैं। ज़्यादा समय में ये लोग कंप्लेंट नहीं दे रहे बिकॉज ये बाहर से है, जाने का जल्दीबाजी में वो पुलिस स्टेशन जाके वो कंप्लेंट नहीं दे रहे। तो अभी एक पहला एक आउटपोस्ट था, वो आउटपोस्ट अभी बंद हो गए। स्टेशन रिनोवेशन टाइम पे वो पूरा डिस्मेंटल हो गया। नया आउटपोस्ट डिमांड कर रहे लोग। हमारा चीफ साहब के हिस्ट्री में भी है, ऑलरेडी गवर्नमेंट इसमें पैसे सैंक्शन कर दिए हैं, कॉन्ट्रैक्ट भी फाइनलाइज हो गए हैं, उसका कंस्ट्रक्शन जल्दी अभी शुरू होगा। एक है दूसरा लाइट एनर्स का वैगाबंड्स का प्रॉब्लम जो है वो भी हम एड्रेस कर लेंगे। तीसरा ये CCTV कैमराज का भी ओनली 4 कैमराज आ गया इस एरिया। हम ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक का शॉपिंग एसोसिएशन से बात करके उनका कॉन्ट्रीब्यूशन से और फिलोसॉफिसी का कॉन्ट्रीब्यूशन से CCTV कैमराज नेक्स्ट 2 वीक में हम यहाँ CCTV कैमराज नंबर बनाएंगे। एक दो मस्जिद भी है, मस्जिद कमेटी वाला भी आ गया है, वो लोग भी CCTV कैमरा जरूर लगाएंगे बल्कि हमको अश्योरेंस देंगे। नेक्स्ट एक महीने हम टारगेट रख लिए, एक महीने में ये एरिया पूरा क्राइम फ्री करके वैगाबंड्स को और वाइडनर सर्विस को अंदर डाल के आउटपोस्ट को रिस्टोर करने का हम एक भागन रखेंगे। उसको जरूर हम निभाएंगे। विल डेफिनेटली अचीव आवर टारगेट। नेक्स्ट